नमस्कार, इस वक्त हम हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में और गेहूं की जो आवक है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में यदि हम बात करें तो बड़ी मात्रा में गेहूं जो है वो पहुंचने लगा है, और क्या कुछ दाम गेहूं के हैं और आने वाले समय में क्या कुछ संभावनाएं गेहूं को के व्यवसाय को लेकर के जताई जा रही है, इसके लिए सीधे चलेंगे रामलाल जी के पास। रामलाल जी व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, बहुत अच्छी जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। आज भी वो हमारे साथ जुड़े हैं और गेहूं के व्यापार के संबंधित जानकारी जो हम रामलाल जी से अब लेने जा रहे हैं। रामलाल जी बहुत स्वागत है आपका। गेहूं की क्या स्थिति बन रही है, लगातार आवक जो है वो बढ़ती चली जा रही है? गेहूँ की कल थी 28,000 बोरी की हमारे यहाँ आवक, आज है 25,000 बोरी की आवक। बाजार तेज है गेहूँ में, गेहूँ में मद्दा नहीं होगा साहब। कोई भी रोज 150 का रलक आ गया तो दूसरे दिन 200 बढ़ जाएंगे गेहूँ में। गेहूँ में मद्दी नहीं आएगी, गेहूँ में निकलेगी पोल और गेहूँ आगे जाके 2500-3500 रुपये बिकना है। राखी बात तो कोई नहीं रोक सकता सर। क्या अच्छा, अभी यदि बात करें तो आचार संहिता लग गई है, अब सरकारी खरीद भी जो है वो शुरू हो गई है। सरकारी खरीद का कितना असर हमारे जो है गेहूं व्यवसाय में पड़ेगा? सरकारी खरीदी का ज़्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि सरकार के पास जाएगा सब तेजस और पोषण और लोगों पूरा खाने वाला गेहूँ हमारे पास व्यापारी के पास आएगा। तो ये 25, 26, 27, 28 में हम खरीद रहे हैं, इसमें सरकार के पास जाएगा ही नहीं गेहूँ। सरकार के पास जाएगा तेजस गेहूँ जो 2200-2300 बिक रहा है, वाला ये गेहूँ जाएगा सरकार के पास 2400 में। अच्छा, अभी किस तरह की आवक गेहूँ की यदि हम देखें तो? गेहूँ में बस तेजस गेहूँ की ज़्यादा आवक है और ये खाने वाला गेहूँ लोकवंत पूना वन फोर चंदोसी ये आवक कम है गेहूँ की। ये समझ लो 5,000 बोरी की आवक है और 25,000 बोरी की तेजस की गेहूँ आवक है ये। अच्छा, अलग अलग क्वालिटी के गेहूँ की यदि हम दाम की बात करें तो किस तरह के दाम है अलग अलग क्वालिटी? देखो तेजस गेहूँ तो बिक रहा है 2200-2400 सर, और अपने पूना गेहूँ बिक रहा है 2400-2800, लोकवंत बिक रहा है 2400-2800, और चंदोजी बिक रही है 3500 से लेकर 4500 तक। अच्छा, उत्पादन का आपकी बार कोई असर देखने मिला मौसम? उत्पादन का असर तो बहुत सर, 5 क्विंटल 6 क्विंटल बीघा कम आएगा किसानों का। हर किसान 10-12 हज़ार रुपये बीघा से पिटा गया इस साल, उसकी फसल कम बैठी है इस साल, धुंधा लोड ये ठंड है, गेहूँ की 12 बजा दी सर। अच्छा, डिमांड किस तरह की हमारे पास? डिमांड गेहूँ में बहुत अच्छी लगी सर इस साल, चारों तरफ की मांग निकलेगी खूब लंबी अच्छी, होली बात निकल जाएगी सबकी, सब चारों तरफ की डिमांड सर। चलिए, तो निश्चित तौर पर रामलाल जी थे जिनने स्पष्ट तौर पर बताया है कि गेहूं की जो डिमांड है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी और जिसका सीधा असर जो है वो दाम पर भी हमें देखने मिलेगा। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन।